में जनसभाएं कर रहे हैं तो योगेश्वर दत्त छोटी छोटी सभाओं के साथ डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आ रहे हैं। तो योगेश्वर दत्त खुद भी चुनावी मैदान में चूंकि उतरे हुए हैं तो लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, अपने पक्ष में वोट करने की अपील योगेश्वर दत्त की तरफ से लगातार की जा रही है। बड़ौदा से बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त जीत का दावा कर रहे हैं। योगेश्वर दत्त ने कहा कि पिछली बार तालमेल की कमी रह गई थी लेकिन इस बार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। योगेश्वर दत्त से हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने खास बातचीत की। बड़ौदा उपचुनाव पे बात करने के हमारे साथ है भाजपा उम्मीदवार योगेश्वर दत्त जी। पहलवान जी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तो आपने पूरे देश का नाम रोशन करा, इस चुनावी रण में किस तरीके से देख रहे हैं माहौल को, क्या कहेंगे इस चुनावी रण में किस तरीके का माहौल? बहुत अच्छा माहौल है और इस बार बहुत ज्यादा मतों से गठबंधन यहाँ पे विजय होगा और कमल खेलेगा यहाँ पे। पिछली बार कुछ कमी रह गई थी यहाँ के लोगों के द्वारा महज, क्योंकि इस बार लगता है लोगों का वो कमी जो एहसास है या कुछ? देखिए, लोगों की कमी थी, खुद हमारी कमी थी, हमें टाइम बहुत कम मिला। अगर हम एक डेढ़ महीना पहले आते तो लोगों को समझ आते, जो कि तालमेल का अभाव रहा है, कम्युनिकेशन जो गैप बना उसको कम नहीं हो पाया। इस बार एक साल हम लोगों के बीच में रहे, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे उसके बाद गांव में जाना, जो यहाँ की समस्या है वो उनके लिए आवाज़ उठाना, वो समस्या दूर करवानी, इस बार लोगों ने मन बना है और दोनों पार्टी के कार्यकर्ता बड़े जोश के साथ लगे हुए हैं, बीजेपी जेजेपी के, हर घर तक पहुँच रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि बड़ौदा लड़के गए, ये विकास की लड़ाई है, इसकी तरक्की की ये लड़ाई है, किसी के बैक में ना हो, यहाँ पे कमल खिलाएं। लगभग सभी गांवों का आप दौरा कर चुके हो और पहले भी करते रहे हो, मेन मुद्दे किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर और लोगों की क्या अपेक्षा है भाजपा सरकार? देखिए, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कभी पहले विकास का कार्य नहीं हुआ जो होना चाहिए था, चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, शिक्षा की हो, खेल की हो, हमें हर जगह यहाँ काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कांग्रेस अब भी जीत का दावा कर रही है, वो कह रही है हमारा गढ़ है इंदुराज अगरवाल, इंदुराज को नरवाल किस तरीके से देखते हैं उनको? अगर हम बात देखिए उनके बारे में बातें आती हैं कि ब्रिज पंचायत में एक बार उन्होंने गोली चलाई थी, लोग गरीब लोगों के जो दलित परिवार हैं, पिछड़े हुए हैं, उनके प्लॉटिंग गाँव में जो होती है वो प्लॉट कब्जाए उन्होंने, और कुछ पैसे नौकरियों में पैसे खाए, 10 साल का नशा था, जब लोग पैसे लिए वो पैसे खाए हैं, ये तो ऐसे लोग बोलते हैं, क्योंकि मेरे को तो उनके बारे में ज्यादा पता नहीं, मैं जानता नहीं कौन क्या है, पर जो बातें सुनने मिल रही है वही हैं। और हम यहाँ पे मांग रहे हैं अपने नाम पे कि हमें वोट दीजिए, हम आपके बीच में रहेंगे, आपका काम करेंगे, वो मांगते हैं किसी और के नाम पे कि मैं कुछ नहीं हूँ, वोट इनके नाम पे दे दो, हम खुद बोलते हैं कि हम आपका काम करेंगे, हमारे पास आना, आप हम आपकी आवाज बनेंगे, वो किसी और को अपनी आवाज बना रहे हैं। बीजेपी और जेजेपी के तमाम नेता तो आपके समर्थन में आए हैं, तमाम खिलाड़ी भी हम देख रहे हैं चुनाव मैदान में आपके प्रचार के लिए आ रहे हैं, कितना समर्थन उसके थ्रू आपको देख रहे हैं? देखिए, बोल ज्यादा है दोनों पार्टियों, जैसे बीजेपी जेजेपी से हमारे जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय चौटाला जी, इन सो के अध्यक्ष हैं दिग्विजय चौटाला जी, हमारे जो यहीं से उपाध्यक्ष हैं जेजेपी के, ये क्या नाम है इनका, केसी बांगड़ जी, मेरे भाई भूपेंद्र मुरी, सभी बड़े जोर शोर के साथ लगे हुए हैं, और कल हमारे जो उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला जी, 2 दिन का उनका दौरा रहेगा। इस बार बिल्कुल वो क्या बोलते हैं, फिजा बदल चुकी है, माहौल बदल चुका है और बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे कमल खिलेगा, लगभग 20-25 हजार की लीड से यहाँ से कमल खिलेगा। धन्यवाद। तो 20-25 हजार की लीड से कमल अगर खिलेगा, ये दावा है योगेश्वर दत्त का। पिछले चुनाव में अगर बात करें तो कुछ कमी जरूर है, इनका कहना है कि इनकी खुद की थी और इस बार लोग विकास की उम्मीद कर रहे हैं और उसी विकास के मुद्दे को लेकर के ये चुनाव मैदान में, जिसको लेकर के ये जीत का दावा कर रहे हैं। बड़ौदा से कैमरामैन जगजीत के साथ दीपक शर्मा। तो वहीं बड़ौदा में प्रचार के लिए कांग्रेस नेताओं ने भी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के बड़े नेता एक मंच पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल, अध्यक्ष कुमारी सैलजा, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस नेता किरण चौधरी पार्टी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, गांव-गांव जाकर इंदुराज नरवाल के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने आज अहमदपुर माजरा, जागसी, मातंड गांव में चुनाव प्रचार किया है। बड़ौदा किरण में कांग्रेस के तमाम नेता एक साथ नजर आ रहे हैं और लगातार ये दावा कांग्रेस नेताओं की तरफ से किया जा रहा है कि भारी बहुमत के साथ कांग्रेस यहां पर विजयी होगी।